नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रत्योहार टोटके। मैं हूँ आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्णता से जानकारियां शेयर करूंगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम प्रदोष व्रत धारण करते हैं और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सोमवार को पड़ रही है, इसीलिए इसे हम सोम प्रदोष कहेंगे। इससे पहले भी जो पिछला प्रदोष व्रत था वो भी सोम प्रदोष व्रत था और जो लोग इस बार सोम प्रदोष व्रत का संकल्प लेके व्रत कर रहे हैं, साल 2022 में कुल 6 सोम प्रदोष व्रत उनके लिए पड़ेंगे। दोस्तों, जिस भी वार को हम जैसा जानते ही हैं कि प्रदोष व्रत पड़ता है, उस वार के नाम से ही उस प्रदोष व्रत को हम जानते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि सोम प्रदोष का व्रत आपको क्यों करना चाहिए। देखिए, सोम प्रदोष का व्रत आप अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए कर सकते हैं, अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए कर सकते हैं, धन की किल्लत है, आर्थिक संकट है घर परिवार में, उसे समाप्त करने के लिए कर सकते हैं, रोगों से, बीमारियों से मुक्ति के लिए, बीमारियों पर होने वाले खर्च से बचने के लिए आपको सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। अविवाहित युवक युवतियां अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। तो ये सभी कारण हैं जिन कारणों से, जिन मनोकामनाओं से आपको सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आप सोम प्रदोष का व्रत रखते हैं और इसी व्रत को करने का संकल्प लेते हैं तो कम से कम 11 व्रत की संख्या आपको संकल्प में लेनी चाहिए, जो कि शायद लगभग 2 साल का वक्त लगे आपको इन 11 व्रतों की संख्या को पूरी करने में। क्योंकि एक साल में जो सोम प्रदोष है वो इस साल तो 6 पड़ रहे हैं, लेकिन हर साल ऐसा जरूरी नहीं होगा, हो सकता है आगे 3 या 4 ही आपको मिले। अब इस दिन आपको भगवान शिव की पूजा विधि क्या रखनी है। देखिए, किसी भी सोम प्रदोष व्रत के दिन में हमें भगवान की पूजा प्रदोष काल में ही करनी होती है। तो आने वाला जो सोम प्रदोष व्रत है 28 फरवरी को पड़ रहा है और इस दिन जो शुभ मुहूर्त होगा, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ समय क्या होगा, सबसे पहले आप यही नोट कर लें। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी 28 फरवरी को सुबह 5:42 पर, जो कि समाप्त होगी 1 मार्च को सुबह 3:16 पर। पूजा जो होता है प्रदोष व्रत में दोस्तों, वो हम संध्या काल में, प्रदोष काल में ही करते हैं। पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए सुबह की पूजा हालांकि हमें करनी चाहिए, लेकिन संपूर्णता से जो पूजा विधि हम करते हैं वो प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल जो शुभ मुहूर्त है तो प्रदोष व्रत की पूजा का, वो है शाम के 6:20 से रात के 8:49 तक। तो ये समय भी आप नोट कर लें, इसी समय में आपको व्रत पूजन करना है सोम प्रदोष व्रत का। अब इस दिन जो पूजा विधि है वो आपको क्या रखनी है, जैसे आप सुबह में नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले तो सोम प्रदोष व्रत का संकल्प लेंगे 28 फरवरी को, उसके बाद में आपको संध्या काल में विशेष पूजा करनी। आप सुबह भी अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से और शाम के समय प्रदोष काल की पूजा में आपको अभिषेक जरूर करना है। तो इसमें आपको अभिषेक के लिए या तो आप पंचामृत बना लें या आप जल से, दूध से, दही से, जो भी द्रव्य आपके पास उपलब्ध हो उससे अभिषेक कर सकते हैं। और भगवान की पूजा में सफेद चीजें, सफेद वस्तुएं हम सोम प्रदोष व्रत के दिन अर्पित करते हैं। तो इस दिन आप भगवान की सफेद फूलों से भांग, धतूरा, ये सारे फूल अगर मिल जाते हैं, धतूरे के फल मिल जाते हैं, आपको अन्य शमी के फूल अगर मिल जाए, शमी पत्र मिल जाए, तो ये चीजें भगवान को अर्पित कीजिए, बहुत प्रिय है। आपके फूल आज के दिन भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत के दिन भी माता पार्वती की, भगवान शिव के साथ आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। गणपति की पूजा करें, गणपति को इस दिन दूर्वा जरूर अर्पित करें। विधि विधान से आपको सोम प्रदोष व्रत की जिस भी कामना से आप कर रहे हैं आपको पूजन करना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है तो यहाँ पर मैं आपको उपाय साथ में बता दूं, आपको धन प्राप्ति की कामना के लिए सोम प्रदोष व्रत के दिन में शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का ही देखिए हम अभिषेक करते हैं सोम प्रदोष व्रत के दिन। आपको मंदिर में जाके विशेषकर पूजा संध्या काल की जरूर करनी चाहिए। तो आप
शहर की एक धार से शिवलिंग का अभिषेक इस दिन जरूर करें। आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों, जो आप कर सकते हैं इस सोम प्रदोष व्रत पर। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए आपको अब यह उपाय करना चाहिए। एक मंत्र है, इस मंत्र से आप शुद्ध जल की धारा से ही शिवलिंग का पूजा से पहले जो अभिषेक करते हैं वो करें। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, यह मंत्र आपको बोलना है कम से कम 108 बार। आप बोलते रहें, धारा एक सार कर रखें और लगातार बनी रहे धारा, इस तरह की व्यवस्था रखें और जल की धारा से ही आप भगवान का इस मंत्र के साथ अभिषेक करें। किसी भी कामना विशेष से अगर आप करते हैं आपकी वो कामना पूर्ण होती है। हम वैवाहिक जीवन को सुखद करने के लिए, अच्छे घरवर की प्राप्ति के लिए इस दिन आप केसर मिश्रित दूध से भगवान का अभिषेक करें। इससे पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, अच्छे अगर शादी की इच्छा है, ये लड़के भी कर सकते हैं उपाय और लड़कियां भी कर सकती हैं, तो आपको इस दिन भगवान को कम से कम 27 बार ही आप कर लेंगे ओम नमः शिवाय बोलकर आपको इस अभिषेक को करना है। आप अभिषेक केसर मिश्रित दूध से या फिर चंदन के इत्र से भी कर सकते हैं। तो ये कार्य भी आप अगर करते हैं तो शीघ्र शादी का इससे द्वार खुलता है और वैवाहिक जीवन दोस्तों सुखद होता है। तो ये भी एक छोटा सा कार्य है। तो ये तीन उपाय जो मैंने आपको बताए हैं इस सोम प्रदोष के दिन अगर आप करते हैं, तो एक तो सर्व सिद्धि का उपाय है, दूसरा धन प्राप्ति और तीसरा अच्छे घरवर की प्राप्ति के लिए और वैवाहिक जीवन को खुशहाल करने के लिए किया जाने वाला उपाय है। तो इन तीनों में से आप एक जो भी आपकी इच्छा है वो अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस व्रत को पूर्ण करेंगे। व्रत में जैसा हम जानते हैं कि प्रदोष व्रत में सुबह की पूजा के बाद आप दूध फल चाय अगर चाहें तो ले सकते हैं। संध्या काल में जो हम संपूर्णता से पूजन करते हैं, व्रत कथा और आरती के बाद में आप एक समय का मीठा भोजन खा सकते हैं। तो जिस भी प्रकार से आप करना चाहें, कई लोग सिर्फ फलाहार ही रहते हैं संध्या काल की पूजा के बाद भी, तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस व्रत को संपूर्ण किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में इस सोम प्रदोष पर किए जाने वाले जो उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, पूजा विधि शेयर की है, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।